नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत इन दिनों बैंगलोर के एनसीए में रिहैब के दौरान से गुजर रहे हैं। आप सबको पता ही है कि उनका पिछले साल के अंत में 30 दिसंबर को एक भयानक कार दुर्घटना हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वहीं अब वो काफ़ी तेजी से और अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। वहीं कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो को चेंज किया है, जिसमें उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ को अपडेट किया। तो आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल एक्सीडेंट के बाद ऋषभ जब से होश में आए हैं, तब से वो लगातार अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट देते रहते हैं। वहीं कल उन्होंने जो अपने इंस्टाग्राम के बायो में डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया है, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। नए डेट ऑफ बर्थ से पहले आपको बता दें कि उनका जो पुराना जन्मतिथि है वो क्या है। पंत का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1997, वहीं इसे उन्होंने चेंज करके 5 जनवरी 2023 कर दिया है। दरअसल जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब वो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। अपने घर रुड़की जाते वक्त उनका रास्ते में ही एक डिवाइडर से टकरा कर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनके कार में आग लग गई थी और फिर वहाँ के लोकल लोग ने उन्हें किसी तरह से कार से बाहर निकाला और लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर अगले ही दिन उन्हें मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहीं जब 5 जनवरी को वापस वो होश में आए और फिर कुछ दिनों के बाद से ही उन्होंने रिकवरी शुरू कर दी और लगातार खुद को लेकर अपडेट देते रहते हैं। वहीं कल उन्होंने इसी कारण से अपने इंस्टाग्राम बायो में नए डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया है। वर्तमान में पंत काफ़ी तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें वो बिना बैसाखी के सीढ़ियों पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं। वहीं अब वो एनसीए में डंबल भी उठाते नज़र आ रहे हैं। वहाँ उनके साथ केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर भी साथ दे रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरह से रिकवर कब तक करेंगे और फील्ड पर कब आएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द टीम में वापसी करें और अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर मजबूत करें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।